हेलो एवरीवन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स की आज की क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम अपने प्रीवियस टॉपिक एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स को कंटिन्यू करेंगे। जैसा कि कल हमने पढ़ा था, एंटरप्रेन्योरशिप क्या होती है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है और एक अच्छे एंटरप्रेन्योर में क्या क्वालिटीज होती हैं। सो आज हम डिस्कस करेंगे नीड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की वर्तमान समय में या करंट सिनेरियो में एंटरप्रेन्योरशिप को इतना ज़्यादा प्रमोट क्यों किया जा रहा है। आजकल हमें एंटरप्रेन्योर्स की ज़्यादा से ज़्यादा आवश्यकता क्यों है। सो इसके बेसिक पॉइंट्स हैं पॉपुलरिटी ऑफ इनोवेटिव आइडियाज, इकोनॉमिक एडवांसमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, प्रमोट सोशल चेंज, प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। पॉपुलरिटी ऑफ इनोवेटिव आइडियाज, इनोवेटिव आइडियाज से हमारा मतलब है नए नए विचार। तो जो एक एंटरप्रेन्योर होता है वो नए नए विचारों के द्वारा बिजनेस शुरू करता है। वो एक लोगों को अच्छी से अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करवाता है, जिनके बारे में पहले किसी ने नहीं सोचा था वो उन सर्विसेज को प्रोवाइड करवाता है, या वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स या सर्विसेज जिनको हम यूज़ कर रहे होते हैं वो उनको और एफिशिएंटली और अच्छे तरीके से यूज़ करने में हमारी मदद करता है, जिससे कि वो खुद प्रॉफिट कमाता है और लोगों को सुविधाएँ मिलती हैं, जैसे कि होम डिलीवरी, ऑनलाइन शॉपिंग्स, ये सब इनोवेशन ही हैं। पहले हमें सामान खरीदने के लिए बाजार जाना पड़ता था, तो हम घर बैठे ऑनलाइन खरीदारी कर सकते हैं और हमारा प्रोडक्ट घर में ही डिलीवर हो जाता है। सो ये एक टाइप की इनोवेशन है, जिससे कि जो बिजनेसमैन है वो अपना प्रॉफिट अर्न करता है और हम लोगों को सुविधा मिलती है। सो एंटरप्रेन्योर्स जो हैं इस तरह के नए नए आइडियाज जनरेट करते हैं, इनोवेटिव आइडियाज जनरेट करते हैं, जिससे कि लोगों को सुविधा होती है और एंटरप्रेन्योर्स इससे लाभ कमाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इनोवेटिव आइडियाज, तो फर्स्ट पॉइंट हमारा है पॉपुलरिटी ऑफ इनोवेटिव आइडियाज। एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं वो इनोवेटिव आइडियाज के थ्रू लोगों की सुविधाएं उपलब्ध करवाते हैं और खुद प्रॉफिट अर्न करते हैं। हमारा सेकंड पॉइंट आता है इकोनॉमिक एडवांसमेंट। अब इकोनॉमिक एडवांसमेंट मतलब हमारी कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ। जैसे जैसे कोई बिजनेस रन करता है उससे लोगों को रोज़गार मिलता है, उनकी अर्निंग बढ़ती है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है, तो ये सब जो होते हैं हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक एडवांसमेंट के पैरामीटर्स होते हैं। जैसे जैसे एक एंटरप्रेन्योर जो है अपने बिजनेस को ग्रो करेगा, उसका बिजनेस जैसे जैसे बढ़ेगा उससे हमारी इकोनॉमी को भी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, उससे मार्केट में मनी सर्कुलेशन बढ़ेगी, लोगों को रोज़गार मिलेगा। जैसे कोई भी बिजनेस है जैसे जैसे वो ग्रो करता है तो उसको एक आदमी अकेले मैनेज नहीं कर पाता, उसे उसकी हर फील्ड के लिए लोगों को की ज़रूरत पड़ती है, जिससे दूसरे लोगों को रोज़गार का साधन मिलता है, रोज़गार से उनकी इनकम होती है। सो इस तरह से एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा एक एंटरप्रेन्योर जो है हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में सहायता करता है, और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जैसे लोगों का इकोनॉमिक ग्रोथ होगी वैसे वैसे हमारी इकोनॉमी ग्रोथ करेगी और हमारी कंट्री भी ग्रो करेगी। नेक्स्ट आता है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। जैसा कि हमने प्रीवियस पॉइंट में डिस्कस किया, जब एक एंटरप्रेन्योर एक बिजनेस शुरू करता है तो अगर वो चाहे एक स्मॉल स्केल बिजनेस भी है, तब भी जैसे जैसे वो ग्रो करेगा तो उसे और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, जब और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी तो उन लोगों को रोज़गार मिलेगा, इससे जो है रोज़गार उत्पन्न होगा, इसे ही एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहा जाता है। मान लीजिए कोई एक छोटा सा डिपार्टमेंटल स्टोर खोलता है तो वहाँ पे उसे सफाई करने के लिए, बिल काटने के लिए, सप्लाई करने के लिए, होम डिलीवरी के लिए कितने लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से वो अपने डे टू डे वर्क को करने के लिए लोगों को जॉब उपलब्ध करवाता है या एम्प्लॉयमेंट उपलब्ध करवाता है। सो एंटरप्रेन्योरशिप के द्वारा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होती है। जैसा कि हम सब जानते हैं आजकल एम्प्लॉयमेंट के रिसोर्सेज कम होते जा रहे हैं। पहले गवर्नमेंट सेक्टर में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट होती थी, लेकिन अब वो इतनी नहीं रही है। जैसे जैसे कंप्यूटराइजेशन हुई है तो एम्प्लॉयमेंट के रिसोर्सेज कम हो रहे हैं, मतलब मैनुअल एम्प्लॉयमेंट के रिसोर्सेज कम हो रहे हैं। सो जैसे जैसे एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ेगी तो उससे रोज़गार के अवसर भी बढ़ेंगे, इसलिए गवर्नमेंट लोगों को सेल्फ इंडिपेंडेंट बनाने के लिए एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर्स को इतना ज़्यादा प्रमोट कर रही है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है इंक्रीजिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। जैसा कि हमने प्रीवियस पॉइंट में पढ़ा कि एक एंटरप्रेन्योर जो होता है एंटरप्रेन्योरशिप के थ्रू लोगों को एम्प्लॉयमेंट
उपलब्ध करवाता है जिससे हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है। जैसे जैसे लोगों को रोजगार मिलेगा उनकी इनकम बढ़ेगी, इनकम बढ़ने से क्या होगा उनके रहन सहन के स्तर में सुधार आएगा, इसे ही स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहा जाता है। जब एक आदमी अच्छी इनकम अर्न करता है तो वो उसे खर्च करता है और अपनी सुख सुविधा के साधनों को खर्च करता है खर्च करता है, तो इससे उससे रहन सहन के स्तर में सुधार आता है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एक एंटरप्रेन्योर जो है लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाता है, इकोनॉमिक ग्रोथ करता है और जिसके थ्रू भी लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंक्रीज होता है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है प्रमोट रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड डेवलपमेंट से हमारा मतलब है कि नए नए प्रोडक्ट्स के बारे में रिसर्च करना और पुराने प्रोडक्ट्स की गुणों में सुधार करना, उनके गुणों को डेवलप करना। तो जैसे ही कोई बिजनेस शुरू होता है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए शुरू किया जाता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट में बने रहने के लिए हम किसी एक प्रोडक्ट की जो थोड़ी सी फीचर्स होती हैं उनके ऊपर निर्भर नहीं रह सकते। इसके लिए हमें कंटिन्यूस नई नई रिसर्च करनी पड़ती है, उन्हें डेवलप करना पड़ सकता है। इसका सीधा सा एग्जाम्पल हमारा मोबाइल फ़ोन है। जैसे कि शुरू में मोबाइल फ़ोन होते थे तो वो सिर्फ बात करने के लिए यूज़ होते थे, लेकिन अब डे टू डे रिसर्च की वजह से मोबाइल्स में नए नए फीचर्स आते हैं, रोज नए नए मोबाइल्स लॉन्च होते हैं और वो इनमें नए नए फीचर्स होते हैं। सो हम कह सकते हैं कि एक जो एंटरप्रेन्योर होता है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के थ्रू लोगों की प्रोडक्ट्स में सुधार करता है जिससे कि लोगों को सुविधा ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त हो सके और उसका बिजनेस भी लॉन्ग टर्म में गेन कर सके। सो आज के टॉपिक में हमने नीड्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप में पढ़ा, कल हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों की जो भी क्वेरीज हो वो आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू।